भाई ज़्यादा नहीं है, गरीब यूट्यूबर हूँ मैं, एक्सीलेंट राइडर। बच्चे लोग पूछने लग गए कि कौन सा नाम से चैनल है। इस टायर की कैपेबिलिटी देखते हैं अब, कितनी टॉप एंड जा रही है अपनी गाड़ी। R15 वाले को दिखाते हैं हम भी है बस। चलो ठीक है भैया, मिलते हैं। अच्छा लगा आपके काम करवा के। ठीक है, मैं शाम तक आऊँगा, टायर उठा लूँगा। मौसम भी ऐसे ही हो रहा है ख़राब सा। तो गाइस टायर डल चुके हैं, अब देखते हैं बाइक चलाने में कैसा मज़ा आ रहा है वो आपको बताऊँगा इस टायर के रिव्यू में। कई लोग तो क्या करते हैं टायर डलवाने के बाद में बस व्लॉग एंड कर देते हैं, मगर आपके लिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये है भैया की दुकान, ये GST नंबर तक लिखा हुआ है, बहुत मतलब ऑथराइज डीलर है अपोलो पॉइंट। तो 3 साल की इसकी अनकंडीशनल वारंटी मिली है टायर की, आप डलवाना चाहो तो डलवा लेना। ये थोड़ा हाई एंड वाले टायर हैं, नॉर्मल टायर नहीं कहेंगे इसको, कभी आप सोचो कि नॉर्मल टायर डलवाएं। गाड़ी उठी उठी ऊँची ऊँची सी लग रही है थोड़ी। तो अपना पुराना टायर यहीं छोड़ दिया है, मैंने बोला कि आऊँगा तो लेता हुआ चले जाऊँगा। 8 बजे से पहले मुझे आना पड़ेगा भैया के पास में, नहीं तो मेरा टायर चला जाएगा स्क्रैप में। अरे यार ये तो कुछ अलग ही लग रहा है टायर, ये टायर में तो कॉर्नरिंग करने में मज़ा आ जाएगा यार। मतलब गाड़ी ऐसा लग रहा है लेटा आ रहा हो तो लेट ही जा रही है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल इस टायर में। अब ब्रेकिंग भी धांसू आ रही है, मतलब वो वाला टायर है ना भाग रहा था इधर उधर। अपना लोकेशन देख लेते हैं हम, कार आ गया, स्टार्ट कर दूँ दोनों, मतलब अच्छा डिस्काउंट मिल गया। नहीं तो ये गाइस पीछे का टायर ही जो मेरा नॉर्मल टायर डलता है वो डलता है इसमें 2600 रुपये का समथिंग। मैंने MRF का पता कराया और आगे का पता करा था तो 1800 का है, तो मैंने आगे का जो ये इसमें टायर डलवाया है वो पड़ा है मुझे 2150 का, पीछे का था 3600 का। तो उन्होंने आप टोटल जोड़ के मैं बता दूँगा स्क्रीन पर, अगर मैं अलग अलग टायर लेता तो 2150 वो देता प्लस आपका पीछे का टायर का देता 3600। तो गाइस देख रहे हो 5750 का टायर मैंने डलवा लिया है 5100 में। पीछे वाले पहिए की नलकी ख़राब थी, इनका वर्ड है वो उस हिसाब से बता रहा हूँ, जो नोज़ल होता है एयर नोज़ल वो टूटा हुआ था, तो उन्होंने भैया ने ओरिजिनल ब्रिजस्टोन का डाला है पीछे नोज़ल, तो वो 250 रुपये का था उन्होंने। मैंने बोला कि भैया सही लगा लो रेट, टायर भी डलवाया है ऐसा नहीं है, नया है ना टायर, तो अभी उस हिसाब से चलाना पड़ेगा आराम से जब ये चल जाएगा कम से कम। और हाँ हमारे टायर कब चेंज हुए हैं मैंने ये तो बताना ही भूल गया आपको, 87,250 पे चेंज हुए हैं। अब जो पुराना वाला टायर लेके जाऊंगा ना तो वो है ना मैं पापा के शॉप पे ही रखवा दूंगा, क्योंकि पापा के शॉप के पास में रखवाने में ये बेनिफिट रहेगा, कोई दिक्कत हुई तो वहीं से चेंज करवा लूँगा। टायर के बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि अभी टायर जब नए होते हैं डलने के बारे में आपको थोड़ा आराम से चलाना चाहिए, नहीं तो अभी टायर को बोलने धोने में भी टाइम लगेगा, नया टायर है ना। अभी पता है मुझे गाड़ी चलाने में कैसा लग रहा है, जैसे कि अगर मैं झुका रहा तो झुकते हुए चली आ रही है जब की तरफ, और राइट में रख रहा तो राइट में जा रही है, सीधी रख रहा तो स्ट्रेट चल रही है गाड़ी लगातार, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं कॉर्नरिंग के लिए बनी है ये टायर, ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर कॉर्नर कर रहे हो तो आपको ऑटोमेटिक गाड़ी झुकाएगी एक तरफ जाने के लिए, ऐसा हो रहा है इसमें। और यहाँ पे बड़ा तगड़ा जाम हो रहा है और रोड लाल है पूरी, जैसे वो मीम चल रहा है ना, लाल है ठेला, लाल है, लाल है पूरा ठेला लाल है, वैसे ही रोड लाल है। अच्छा
दोनों टायर का वैसे बेनिफिट है, एक टायर नया डलवा के कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों एक साथ चेंज करवाओ तो उसका मज़ा अलग ही आता है बाइक में। बाइक की ना चाल ही बदल जाती है, ऐसा लगता है कि इसके चाल चलन अच्छे हो गए, मतलब वो वाले चाल चलन मतलब गाड़ी के चाल चलन की बात कर रहा हूँ, जो कि गाड़ी चलती कैसे है, मतलब जैसी चलती थी नए में वैसे ही चलने लगी है, वैसे ही हो रहा है। चलो वो हाय बोलो डैडी, डैडी डिस्कवरी कौन है, यूट्यूब चैनल है उनका। बारिश शुरू, भाई ज्यादा नहीं है, गरीब यूट्यूबर हूँ मैं। मैं गरीब हूँ मैं कह रहा हूँ, गरीब यूट्यूबर हूँ, अभी नहीं है ज्यादा सब्सक्राइबर। एक्सीलेंट राइडर कौन सा है? एक्सीलेंट राइडर बच्चे लोग पूछने लग गए कि कौन सा नाम से चैनल है। A few moments later. फर्स्ट ऑर्डर तो दे दिया मैंने, अब इसका सेटिंग चेंज करना पड़ेगा GoPro का। ये झमेला है, ग्रीन हो रही है, हमें निकलना सामने से। तो अभी ये मैंने वाइड में कर रखा है, सुपर वाइड नहीं कर रखा। चलो यहाँ पे रेड लाइट है, अभी यहाँ पे कर लेते हैं सुपर वाइड मोड पे। गाइस एक गड़बड़ हो गई, मैंने वहाँ पे जो शूट किया था फिर मैंने कैमरा लगाया, तो लगाने के बाद में मैंने शायद वाइड से सुपर वाइड नहीं करा, सुपर व्यू मोड पर नहीं रखा। अब जो भी क्लिप आपने देखी होगी वाइड में देखी होगी, थोड़ी दिक्कत हुई हो, क्रॉप हो गया हो हैंडल वैंडल, तो उसका कुछ कह नहीं सकते, अब दिखाना तो पड़ेगा मुझे। अब कर दिया मैंने सेटिंग चेंज, तो अब पूरा व्यू दिखेगा अपने कैमरे का। अब सेकेंड ऑर्डर मिल गया हमें एक और पोर्टर का, वो हमें लेके जाना है फतेहपुर न्यू दिल्ली जाना है। तो ग्रीन हो चुकी है और यहाँ से निकलते हैं अपने पिकअप लोकेशन के लिए। तो गाइस आ गए हम लोग अपने पिकअप लोकेशन पे। तो गाइस टायर की ग्रिप देख लो कितनी कॉर्नरिंग कर रहा हूँ, अभी तो नए है ना टायर, तो कैसे लग रहा है पीछे से, पतला सा लग रहा है देखने में, ऐसा लग नहीं रहा 130 है, वो अभी नया है ना टायर, जब घिसते घिसते और चौड़ा हो जाते हैं। तो सर आ रहे हैं सामान देने के लिए। दीदी घूम घूम के देख रही है क्या हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा है इनको मेरा हेलमेट। क्या लग रही है सेक्सी अपनी सेनोरिटा नए टायरों में। तो गाइस हम लोगों ने ले लिया है अपना सेकंड ऑर्डर भी, और अब निकल चुके हैं हम फतेहपुर के लिए। तो चलो उस जगह चलते हैं और फिर वहां से देखेंगे हम टैगोर गार्डन जाने के लिए, क्योंकि दो ऑर्डर मिल गए हमें अच्छे खासे उसके अमाउंट के। अब हमें जहाँ पे हमारा दूसरा ऑर्डर है वो उठाना है, तो उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा। यहाँ का लोकेशन थोड़ा अच्छा है गुड़गांव का, एकदम पेड़ सब है, भैया लोग घूरते हैं बड़े मज़े से कि हाँ भाई ये हेलमेट पे लगा के रखा है, कई जने पूछ रहे, बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शन आते हैं। कभी कभी मेरा कैमरा ऑन नहीं होता उनके रिएक्शन के टाइम, अब मैं ऐसा तो नहीं है कि एक मिनट रुक जाओ फिर से पूछो ऐसा मैं करूँगा नहीं, मगर अच्छा लगता है, कहते ये हेलमेट में लगा के रखा है अपने, ऐसा तो हमने कभी हेलमेट में देखा नहीं है, तो बड़े प्यारे रिएक्शन मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है सुपर बाइक खरीदोगे तो ही रिएक्शन मिलेंगे, आप हेलमेट में भी ऐसी चीज़ें कर सकते हो, उससे अच्छे अच्छे रिएक्शन एपिक रिएक्शन आते हैं GoPro के। मैंने ये बात बोली थी उनसे है ना, तो फिर वो कहने लगे अच्छा, तो कह रहे हैं भैया क्या करें गरीब है अभी, तो कमाना भी पड़ता है, कमाने खाना तो अभी यूट्यूब नहीं दे रहा ना, तो कुछ ऐसा वर्क करते रहो आप भी, अगर आपको भी YouTube करना है जो आपका प्राइमरी काम है जिससे आपका घर चलता है वो आपको करते रहना चाहिए, ये सेकेंडरी में आता है मेरा भी,
जब ये उस लेवल पे पहुंच जाएगा, जब ये मेरा प्राइमरी होगा, तब मैं इस पे ही फोकस करूंगा, फिर मैं सेकेंडरी छोड़ दूंगा। अपना माइंड में ये फोकस करो कि स्ट्रगल करना है हमने। अगर आपने उस टाइम नहीं स्ट्रगल करा जिस टाइम आपका स्ट्रगल करने का टाइम है, तो आपको आगे चलिए बहुत दिक्कत होगी। तो उस टाइम स्ट्रगल ज़रूर करो जिस टाइम आपको स्ट्रगल करना चाहिए। तो कोई भी काम हो, ज़रूरी नहीं है आप यूट्यूब भी करो, आप कोई बिजनेस कर सकते हो और साथ में जॉब भी कर सकते हो। तो अभी जो मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं जॉब इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे को आपके लिए कंटेंट बनाना है, कंटेंट शूट करना है। और रोड पर हम चलते हैं तो बहुत कंटेंट ऐसे होते हैं कि उस टाइम कैमरा हो तो बहुत अच्छी बात होती है, कंटेंट शूट हो जाता है आप लोगों के लिए। और इसीलिए मैंने GoPro ख़रीदा है, थोड़ा रिस्क लेके कि चाहे मेरा एक टाइम का खाना ना खाऊं, मगर GoPro होना ज़रूरी है। मजाक कर रहा हूँ, खाना मैं दोनों तीनों टाइम खा रहा हूँ और पेट भर के खा रहा हूँ। भूखे पेट नहीं रह रहा। मगर यह है कि देखिए, रिस्क लेना पड़ेगा आपको लाइफ में। अगर कोई भी काम में सक्सेस करना है ना, बिना रिस्क लिए कोई काम नहीं हो सकता। आप लाइफ में सोचोगे ना कि ये काम में रिस्क नहीं है, ये काम में ये रिस्क है, ये काम नहीं करता हूँ, वो काम नहीं करता हूँ, तो देखो लाइफ है एक, उसमें आपको मेहनत भी करनी है, रिस्क भी उठाने हैं। मगर कुछ गलत काम करके रिस्क मत लो, ऐसा काम मत करो जिसमें आपको आगे चल के अभी 2 मिनट में आप पहुँच जाओगे शॉर्टकट से, मगर फिर आगे चल के आपको दिक्कत हो जाए। और अभी हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, ये GFR वाला रास्ता है। मेरा माइक थोड़ा नीचे चला जाता है ना, तो विंड नॉइज़ कैप्चर करता है, मेरे को बार बार है ना इसको चिपकाना पड़ेगा, कहीं एक बार सेटल करना पड़ेगा जिससे कि माइक मेरा बार बार ऊपर नीचे ना जाए। अब यहाँ पर कॉर्नरिंग करने में देख पता चलेगा, देखो गाड़ी अपने आप जा रही है कॉर्नरिंग करने के लिए, मेरे को नहीं झुकाना पड़ रहा है, ऐसे बस एक बार टेढ़ा करना है और एक ही कॉर्नर पर चलती जा रही है लगातार। तो फ़र्क तो है दोनों टायर को एक साथ डलवाने में। पहले कॉर्नरिंग करने में ऐसा लग रहा था गाड़ी लहरा लहरा के कहीं और जा रही है, ऐसा लग रहा था। अब स्ट्रेट चला रहा हूँ तो स्ट्रेट चल रहा है। अब पता नहीं उन्होंने शायद ज़्यादा प्रेशर कर दिया तो नहीं है, ये नहीं मालूम। अब प्रेशर चेक करवाना पड़ेगा, देखो R15 वाला कैसे जा रहा होता हूँ। चलो तो फिर हो जाए हाइपर राइडिंग। इस टायर की कैपेबिलिटी देखते हैं अब कितनी टॉप एंड जा रही है अपनी गाड़ी। R15 वाले को दिखाते हैं हम भी है कुछ। एक 118 पहुंच गई थी भाई, ये अब बात है R15 से रेस लग गई आज। क्या हो गया भाई, ये सैनो बेटा दम लगाओ, जान लगा के जोर लगा के ऐसा। देखो R15 निकल गया आगे, वैसे उसके लेवल की गाड़ी नहीं है ये, 150 भले ही है मगर उसे 150 मत मानना। R15 है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो मैं मजे दे रहा था, चलाना आई थी तो बढ़ गई थी स्पीड। देखो कैसा गोली की तरह हो रही है वो, और अपनी बाइक कैच नहीं पा रही हूँ मेरे हिसाब से। चलो कोई नहीं, जाने दो उसको, हमारा रास्ता ना छूट जाए कभी इस चक्कर में कि आगे पीछे आगे पीछे कर रहा है। GFR पे भी स्पीड कैमरा लगे रहते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। कभी भी देख रहे हैं, रोड लगती है बहुत अच्छी भगाने के लिए, मगर कहीं पे भी तंबूरा लेके बैठ जाएंगे मामूलो, आपका चलान आपके घर पर पहुँच जाएगा, आप रुको या ना रुको। और फ्यूल भी डलवाना है सनोरिटा के लिए, प्यासी हूँ कभी भी लटका दूंगी, डलवा दे पेट में, डलवाएंगे डलवाएंगे, मजाक नहीं है डलवाएंगे, बस धोखा मत देना बेटा कहीं पे भी हमें, पता चले धक्का लगा रहे हैं रिफंड में। रेड लाइट हो गई क्या हमारे लिए? नहीं है, अच्छा इन लोगों के लिए होगी रेड लाइट, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो सीधे गाड़ी। ये फरीदाबाद वाला रोड है आई थिंक,
कॉर्नरिंग आप दिखाऊंगा आपको, तगड़े तगड़े कॉर्नरिंग। आएगा बार भाई पाला चुका लिया मैंने उसको कंटेंट देगा कंटेंट दे दे आकर। कंटेंट कंटेंट कहाँ है हमारा, पीछे कंटेंट आ रहा था। आ रहा है कंटेंट आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है कंटेंट निकल के। गाइस हाइपर राइडिंग कैसी लगती है? मेरी दीदी है ना बेचारी, उन्हें वीडियो देख लिया था, डर गई थी, कह रही थी भाई तू आराम से बाइक चला, इतना भी हाइपर नहीं चलाने का। तो दीदी की, दीदी का चिंता करना बहुत नॉर्मल बात है भाई, कोई भी फैमिली वाला देखेगा डर जाएगा, ये तो भैया अंधाधुन बाइक चला रहा है, कहीं कुछ हो ना जाए इसको। तो मैसेज कर रहा था, उन्होंने कमेंट करा था, मगर मैं दीदी को बता दूँ कि उतना ही चलाऊँगा जितना मुझे लगेगा कि हाँ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, और एक्स्ट्रा नहीं जाऊंगा। मगर हाँ ये चीज़ सही कह रही है, वो चिंता करना भाई, कोई आप सही चल रहे हो अचानक कोई सामने आ जाए स्पीड हाई स्पीड में तो कंट्रोल नहीं होगी, तो ब्लाइंड स्पॉट नहीं होना चाहिए जहाँ पे भी आप भगा रहे हो गाड़ी, ब्लाइंड स्पॉट होगा तो आपको दिक्कत हो सकता है, मगर जहाँ ब्लाइंड स्पॉट नहीं है वहाँ पर भगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर जानवरों का भी कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ से धप्पा मार दें। तो हमें यहाँ से लेना है लेफ्ट, आ गए हम पुलिंग पोस्ट ग्वाल, ग्वाल पहाड़ी, ग्वाल पहाड़ी कहते हैं इसको पुलिस पोस्ट। यहाँ से हम आ गए हैं अपने, देखते हैं पेट्रोल पम्प मिलता है गाइस तो पेट्रोल भी डलवा लेते हैं गाड़ी में। फतेहपुर इस साइड पड़ता है, ये गुड़गांव से ये टच हो जाएगा न्यू दिल्ली में। गाइस भूख तो लग रही है, पकौड़ी वकौड़ी दिख रही है, मगर यार मेरा मन नहीं करता अब पकौड़ी वकौड़ी ये सब खाने का, क्योंकि ना यार गर्मी के टाइम में ना ये सब एसिडिटी करती है मेरे पेट में जाकर। और अभी मैंने पराठे वराठे खाए थे आज सुबह, तो वो एक हो गया एक माइनस पॉइंट। दो पराठे खाए थे अंजलि ने बनाए थे पनीर के पराठे, और इतना मस्त लग रहे थे, मतलब आइडिया तो मेरा ही था, वो तो बना रही थी पनीर की भुज्जी, फिर मैंने बोला यार पराठे बना लूँगी पनीर के, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है बनाते हैं, मतलब ज़्यादा मत बना दो दो बना लो, दो दो पराठे बहुत है। गाइस ऑफ रोड बहुत है यहाँ पर, उन्होंने बैलेंसिंग नहीं करी, मैंने सोचा था कि बैलेंसिंग भी होगी शायद गाड़ी के टायरों की वो मतलब अलॉय की, मगर उन्होंने बोला नहीं बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, बोले क्या आप ऐसे ही लगवा लो, इतना जरूरत नहीं होती बैलेंसिंग की। तो मैंने बोला कि अगर हो तो देख ले भाई कर ले, नहीं हो तो, जब से गाड़ी ली है बैलेंसिंग तो करवाई नहीं है, कह रहा कि वो बैलेंसिंग तब करवानी चाहिए जब गाड़ी में डेंट वेंट आया हो अलॉय में, तो उससे बैलेंस बिगड़ जाता है अलॉय का, आपका अलॉय परफेक्ट है कहीं बैंड वैंड नहीं हुए। तो मैं बोला चल तो ये बात कह रहा है तो अच्छी बात है। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, बहुत देर हो गया गला सूख गया आपसे बात करते करते, अब थोड़ी देर बाद बात करता हूँ है ना, कुछ अच्छा होगा तो आपके लिए कैमरा ऑन हो जाएगा और उसको कैप्चर कर लेंगे हम, ठीक है, बने रहे व्लॉग में। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, फ्री फंड का मेरा सब्सक्राइब हो रहा है, नहीं तो बाद में पैसा लूँगा अगर फेमस हो गया तो, अभी फेमस नहीं हूँ तो सब्सक्राइब कर लो, जब फेमस हो जाऊँगा तब फिर आप कहोगे कि यार सब्सक्रिप्शन के पैसे ले रहे हो आप, अभी सब्सक्रिप्शन फ्री है यूट्यूब पर, तो प्लीज़
सब्सक्राइब कर लेना, हाथ जोड़ के विनती है, मजाक कर रहा था, सीरियस मत लेना मेरी बात को, कभी कभी मजाक करता हूँ आप लोगों से, आपसे नहीं करूँगा तो किससे करूँगा, पड़ोसी से। चलो ठीक, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.